नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप डॉकर को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वीपीएस के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं उबंटू के अंदर 22.04 जो हमारा नया लेटेस्ट वर्जन आया है उबंटू का, उसके अंदर। सबसे पहले आपको जाना होगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ब्लॉग का लिंक मिलेगा। आपको इस ब्लॉग को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सारा प्रोसीजर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी लिखी हुई ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो नीचे कमांड्स दी हुई है, आपको इन्हें एक एक करके अपने वीपीएस के अंदर सीक्वेंस के अंदर रन करना है। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले कमांड्स मैंने ओपन कर लिया, अब मैं अपने वीपीएस पे कनेक्ट हो लेता हूँ। तो मैं अपने वीपीएस को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मेरे यहाँ पे वीपीएस कनेक्ट हो चुका है। मैं इसके अंदर कीबोर्ड ओपन करके स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर ली। अब एक एक करके जो हमारी कमांड्स है हमें वो रन कर दिया। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा, तो उसके लिए आपको ये कमांड रन करनी होगी, sudo apt update। तो हमारा जो सिस्टम होगा अब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तब तक मैं अपनी दूसरी कमांड कॉपी कर लेता हूँ, जो कि अब हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। तो हमारी जो दूसरी कमांड है वो sudo apt install apt transport httpp है। तो ये वाली मेरी जो अभी पहली कमांड मैंने रन करी थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। मैं तब तक के लिए कुछ देर वेट करूंगा इस कमांड का कंप्लीट होने का। तो ये हमारी कमांड पूरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अपनी दूसरी कमांड को रन करूंगा और जब तक मेरी दूसरी कमांड रन हो रही है, मैं यहाँ पे अपनी तीसरी कमांड जो है कर्ल वाली, इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और सारी डिपेंडेंसीज हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी दूसरी कमांड को रन करेंगे, जो कि है step 3 हमारा। अब हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे उबंटू के अंदर। इसके लिए हमें आपको पहले ये वाली कमांड यूज़ करनी है। देखो कमांड जो है वो डैश के बाद लिखी हुई है, आपको वो पूरी कमांड एज इट इज़ कॉपी करनी है और अपने वीपीएस के अंदर बस सीक्वेंस के अंदर रन कर देनी है और आपका जो डॉकर होगा वो सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपनी चौथी कमांड को रन कर लेते हैं। बस मैं आपको यही कमांड सीक्वेंस के अंदर रन करनी है। और यहां पे मेरे को कंट्रोल, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और ये यहां पे आपकी कमांड स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी ये वाली जो कमांड है ये भी पूरी हो रही है। अब मैं अपनी अगली कमांड कॉपी कर लेता हूं, जिससे हम यूजर बनाएंगे इसके अंदर। ये भी हमारी, अभी मेरी भी कमांड पूरी नहीं हुई है, मैं यहाँ पे वेट करूंगा इस कमांड का पूरे होने का। अब इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसा आएगा, बस आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और आपकी जो मशीन होगी वो यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगी। अब मैं अपनी अगली कमांड को यहाँ पे रन करूंगा और इसके बाद मेरी न्यू ग्रुप वाली है, डॉकर के अंदर हम ग्रुप बनाएंगे एक, और इस कमांड को यहाँ पे रन करूंगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, नीचे हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। हम ये करेंगे कि हमारा जो डॉकर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कंफर्म करेंगे कि हमारा डॉकर सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। आप इस तरह से इस कमांड को रन करके चेक कर सकते हैं कि आपका डॉकर सही इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। डॉकर वर्जन कमांड है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डॉकर सही से इंस्टॉल हुआ है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे स्क्रीन फोटो के अंदर भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा डॉकर सही से रन हो रहा है या फिर नहीं। उसके लिए हम ये वाली कमांड यहाँ पे ट्राई करेंगे, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। इस कमांड से मैं डॉकर को रन करूंगा और ये हमारी कमांड यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो चुकी है। जब ये आपकी कमांड रन हो जाएगी ना, तो आपको कुछ इस तरह का, जैसे इमेज में दिखाया हुआ है, ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है ना हेलो फ्रॉम डॉकर, इसका मतलब ये है कि हमारा डॉकर सही से इंस्टॉल हुआ है और हमारी डॉकर इमेज सही से रन हो रही है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, डॉकर इमेजेस कमांड से आप जो डॉकर इमेजेस आपकी ऑलरेडी रन हो रही हैं उन्हें कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉकर इमेजेस को कॉल करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी डॉकर इमेजेस अभी के लिए रन हो रही हैं और आप उन्हें स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टॉप किस तरह से करते हैं कि आपको यहाँ पे ये वाली कमांड यूज़ करनी होगी, डॉकर PSA। इससे आपके सारे इंस्टेंस आ जाएंगे उनके स्टेटस के साथ, मतलब उनकी कंटेनर आईडी के साथ। अगर आपको किसी भी कंटेनर को रोकना है तो उसके लिए मैं आपको एक कमांड बता देता हूँ, ये होती है sudo docker stop। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रही है कंटेनर आईडी। कंटेनर आईडी में ये जो जहाँ पे आपकी इमेज है, इमेज के नाम के सामने दिख रहा है हेलो वर्ल्ड के सामने, ये
यही आपकी वो है कंटेनर आईडी, आपको ये आईडी यहाँ पे यूज करके कॉपी करके पेस्ट कर देनी है और आपको एंटर प्रेस कर देना है, आपका जो रनिंग डॉकर होगा वो रुक जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।